अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें? और सेकंड, अगर पुलिस आपको बिना वजह थप्पड़ मार देती है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहली चीज यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं। मान करके चलिए आपके साथ कोई भी ऑफेंस या क्राइम कमिट हो गया। मान लीजिए आपको किसी ने गहरी चोट मार दी, आपका सिर फोड़ दिया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड इश्यूज हो गए, और आप जाते हो अपने पुलिस स्टेशन में, नजदीकी थाने में, कि आप जाके एफआईआर लिखवाओगे। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हो तो पुलिस आपका एफआईआर करने से एक्स वाई जेड रीजन देकर के आपको मना कर रही है, तो क्योंकि ऑफेंस कॉग्निजेबल है। तो आप ऐसे केसेस में, अब आपके पास राइट क्या है ऐसे केस में, आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। एक, आप रिटर्न एप्लीकेशन अपने एरिया के एसपी को दें या फिर कमिश्नर को दें। तो वहां से क्या होगा, जो एसपी है या तो वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को इसकी इंक्वायरी में लगाएगा, या फिर खुद से वो क्या करेंगे, इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिपोर्ट रेडी करेंगे। अगर वहां से भी कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, देन आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दोगे, कंप्लेंट दोगे सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के अंडर, जहां पे जो मैजिस्ट्रेट है या तो वो पुलिस ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शंस देंगे कि इसके केस के रिलेटेड आप एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो खुद कॉग्निजेंस लेंगे और जो केस को वो अपने लेवल पे आगे इसके जो भी ट्रायल होगा उसको वो कंडक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ से आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया, कि आपका यहाँ से जो रास्ता है, जो आपका केस है, वो यहाँ से चल पड़ेगा। सिंपल इज दैट। दूसरी बात, हमने बात करी कि अगर पुलिस वाले, मान के चलो एक्स वाई जेड कुछ भी सीन है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, जो नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपको रोका जाता है, कुछ चीजें पूछी जाती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी बताने में डिले करते हो या चुप रहते हो तो आपको थप्पड़ मार दिया जाता है। ऐसा इंडिया में बहुत कॉमन है और ऐसे सैकड़ों केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको थप्पड़ पुलिस ऑफिशियल मार भी देते हैं तो आपने रिटर्न में कुछ भी गलत नहीं बोलना है और ना ही उनके साथ कुछ भी बदसलूकी या बदतमीजी करनी है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे बस आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप उस चीज को किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सको, या फिर उसका कोई प्रूफ आपको मिल जाए, या कोई पास में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है, देन वेल एंड गुड, या फिर कोई आपको विटनेस वहां पे मिल जाए जो कि आपके फेवर में गवाही दे दे। अगर एविडेंस आपके पास एट प्रेजेंट नहीं भी है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, जिस पुलिस ऑफिशियल ने भी आपको थप्पड़ मारा है वहां पे आपको टैग दिख जाएगा जहां पे उनका नाम रहता है और एरिया जहां पे वो उस टाइम ड्यूटी कर रहे थे, उन चीजों को लेकर के आप उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एसपी हैं, उनके ऑफिस में जाकर के, उनके पास जाकर के आप एक रिटन कंप्लेंट दे सकते हो उसके अगेंस्ट, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनरेबल कोर्ट में भी मूव ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेक्शंस की बात करूँ तो वैसे तो काफ़ी सारे सेक्शंस उनके अगेंस्ट भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि डेफामेशन का लग सकता है, सिंपल हर्ट का लग सकता है, और यहाँ पे जो एक सेक्शन 166 है उसके तहत क्या है कि उसमें अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल अपने ड्यूटी को सही से ओबे नहीं कर रहा और अगर ऐसे कुछ भी सीन क्रिएट करता तो वहां पे उनको 1 साल तक की पुनिशमेंट भी हो सकती है। और अभी जस्ट हमने की पहले बात करी कि अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करना भी उनकी लीगल ड्यूटी, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए भी सेक्शन 166A में प्रोविजंस हैं कि उनको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की भी सजा हो सकती है अगर कोई बंदा उनके अगेंस्ट प्रोसीड करता है। तो एक तो ये चीज होगा कि एफआईआर वाली, और जो थप्पड़ मारने वाली बात कर रहे थे तो उसमें हमने बात करी कि आप उनके सीनियर ऑफिशियल में कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर ऑनरेबल कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो नो डाउट आपको एविडेंस की तो जरूरत पड़ेगी, तो एविडेंस की जैसे कि मैंने पहले बात करी, अगर उनमें से कहीं से अगर आपके पास एविडेंस आता है देन वेल एंड गुड, आपका केस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा और आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा है, आपको यहाँ पे रेमेडी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल के ऊपर नए या फर्स्ट टाइम आया तो इस वीडियो को पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लॉ से रिलेटेड आप तक पहुंचती है सबसे पहले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।